हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभा पाठक, आप लोगों का स्वागत है शोभा फ्रेश किचन में। आज हम चलिए स्नैक्स बना रहे हैं, शाम का नाश्ता बना रहे हैं। हम आलू चाट बना रहे हैं, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट और इजी, और जो फटाफट आप कोई भी गेस्ट आए तो आप फटाफट बना सकते हैं, उस तरह का हम बना रहे हैं। आलू को उबालने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, इस तरह से हम आलू को अच्छी तरह से धो लिए थे और इसको हम हल्दी और नमक में डाल के आलू को हम हाफ हाफ काट लिए। छोटा आलू है, छोटा आलू लीजिए, इसी साइज़ का आलू आप लीजिए। और इस आलू को हम हाफ काट दिए हैं और उसमें हल्दी और नमक में एक घंटा से हम भिंगा के इसको रख दिए थे, जो इसमें थोड़ा सा पानी चला जाए। देखिए, फिर भी आलू काला नहीं हुआ है क्योंकि पानी में रखा हुआ था, इसलिए। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पानी से हम धो के निकाल लेंगे, पानी से निकाल लेंगे इसको। देखिए, हम आलू को स्किन भी नहीं छिले हैं, बहुत ही इजी तरह से हम बना रहे हैं और टेस्टी बहुत अच्छा रहेगा, जैसे चाट रहता है उसी तरह रहेगा। तो इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखें, और तुरंत बनने वाली रेसिपी है तो इस तरह आप बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और इजी भी है। तो चलिए, गरम तेल हो गया है, इसमें हम आलू को डालेंगे। पहले इसको हम फ्राई करेंगे, नीचे ऊपर करके आप सेक ले इसको। देखिए, बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी है, बनेगा तो आप लोग ज़रूर देखिए पूरी वीडियो, और सभी को पसंद भी आएगा। अब देखते हैं ये, हाँ, पकने वाला है, और थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए, आलू को हम निकाल लेते हैं और इसको फिर से हम फ्राई करेंगे। पहले इसको निकालते हैं और क्या करना है आपको बताते हैं। अब इसको हम हाथ से इस तरह से दबाएंगे, थोड़ा सा गरम है, थोड़ा सा आप ठंडा करें। देखिए, इस तरह से दब जाएगा ये। अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद कीजिए। जैसे इस तरह हुआ है ना, तो इस तरह इसको, और उसके बाद हम फिर इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए, इस तरह से जैसे ठंडा हुआ है तो इस तरह से इसको मसल दिए हैं, हाथ से ही मसल दिए हैं। इसी तरह हम पूरा कर लेंगे, उसके फिर से हम फ्राई करेंगे इसको क्रिस्पी। अब देखिए, फिर से हम डाल के क्रिस्पी करके फ्राई कर लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं, गैस को बंद करते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। कितनी आवाज़ कर रहा है, बहुत क्रिस्पी ये आलू बना है, कलर भी डाउन नहीं हुआ इसका। देखिए ये कितना अच्छा बना है और क्रिस्पी भी बहुत है। अब इसको हम इस पे डालेंगे। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो फटाफट ये बना सकते हैं आप। अभी हम रख देते हैं, एक ही प्लेट लगाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, हरी मिर्च,
अगर आप आलू को तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। अब इसमें चटनी, और ये दही, मीठा दही है, इसमें चीनी मिला के हम अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। अब हम फिर से डालेंगे प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप नहीं डालें हरी मिर्च। बहुत ही चाट अच्छा रहता है, टाइम भी कम लगता है और टेस्टी भी रहता है। और इसके ऊपर से थोड़ा सा हम नमक, सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नमकीन, सेवैयाँ और थोड़ा सा अनार। देखिए ये चाट बना के आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और कैसा लगा ज़रूर बताएं। एकदम जब शाम में कुछ नाश्ता आपको खाने का है तो आप तुरंत बना के खा सकते हैं, कोई गेस्ट आए तो दे सकते हैं, फटाफट रेसिपी है। तो चलिए आपको थोड़ा सा इसमें ऊपर से हरी धनिया बस डाल देना है। चलिए आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा बना के खाइए, ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है और कम खर्चा में, कम सामग्री में बहुत अच्छा टेस्टी रेसिपी है। तो आप लोग बना के खाएं और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम अच्छी अच्छी रेसिपी, छोटी छोटी रेसिपी डालेंगे जो बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश रहेंगे। थैंक यू।